Just like me, one must be a good thing. Another night ruined out on me. Hey, what's up, public? This is Akash, back again with a new video. सो गाइस, आज का वीडियो ना हैदराबाद के कंडीशन पे होगा। 13 अक्टूबर को इतनी भयंकर बारिश हुई थी हैदराबाद में, समझ लो आधा हैदराबाद डूब गया। अब डूब गया मतलब समझ लो खाली खाली लेक्स, खाली खाली पॉन्ड्स, सब कुछ भर गया और टैंक बंड तो भर के पूरा बारिश निकल गया है। सो ये वीडियो ना क्या है, मैं नेक्स्ट डे 14 अक्टूबर को कुछ काम से अपन आउटर रिंग रोड को जा रहे थे। वो ये हमारे एरिया में का पानी पूरा वहाँ पे चले गया, जो खाली खाली थे पॉन्ड्स वो पूरे भर गए थे। सो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग वीडियो देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा था बारिश यहाँ का। सो यहाँ का लेक तो पूरा भर गया है, वहाँ बीच में रोड के बीच में गड्ढा गिर गया भाई साहब। बस एक दिन के बारिश के वजह से ये पूरा हुआ है ब्रो, ये वे पूरा ब्लॉक कर रही। यहाँ से संगी को जाने का वे था, अपन आ गए संगी के साइड। अपने कॉलोनी का पानी पूरा ओवरफ्लो होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ राइट साइड पे जा रहा है। सो गाइस देखो कुछ ऐसा ही है, वहाँ कुछ वाटरफॉल कैसा है। अभी तक अपन वहाँ रोड पे थे, वहाँ लोग अभी भी ठहर के देखो वहाँ पे थे। सो अपन वो वाटरफॉल के बैक साइड थे, फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखता है ये देख लो। वो भी बहुत सही है, यहाँ से कुछ क्लियर व्यू है। देखो पानी भी बहुत फोर्स में बह रहा है, समझ लो इतनी फोर्स में पानी आ रहा है। यहाँ पे कभी भी मतलब कुछ सालों से यहाँ पानी नहीं आया था, अब इतना फोर्स में आ रहा है तो समझ लो कितना बारिश गिरा है कल रात में। तो चलो गाइस, अपने मिनी वाटरफॉल को टाटा बोलते हैं, अपन आप निकलते हैं सामने देखते है वो सामने देखते हैं, और कुछ दिखा तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ओह गाइस, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यहाँ देखो मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। अरे रे गिर गया बाप पुट्टा, यहाँ सामने क्या हुआ है। अन्ना चाहे उतने अरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। थाई लेवर की मछली, कितना पानी है अंकल, पूरा आधा डूब गया है यहाँ पे। सो अपने को यहाँ से सीधा जाना था, लेकिन वो अंकल को देखने के बाद अपनी गाड़ी आधा डूब जाएगी। देखते सामने एक और ऐसा कुछ मिले तो जाएंगे। सो गाइस, यही लास्ट है, यहाँ से आगे जाने वाले नहीं है। यहाँ का पानी का फोर्स देखे तो आप लोग सभी लोग कोमा जाओगे, इतना फोर्स में पानी भाई साहब, पहली बार हो रहा है अपने यहाँ पे। तो
ये देखो, और सीनरी भी बहुत मस्त है यहाँ से। आज सुबह पूरा ठंडा था, लेकिन अब धूप आ गया है, मस्त वेदर है। लेकिन पानी की स्मेल भी बहुत आ रही है, गंदी स्मेल। ये पूरा मूसी नदी का पानी है। और यहाँ से चल रहे तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं भाई साहब। ओ ये देखो, वो सो गाइस, संदीप अन्ना अपने को अब एक्सप्लेन करेंगे ये पानी कहाँ से आता है। चपो संदीप अन्ना, సో గైస్, హిమాయత్ సాగర్ కన్ 13 గేట్స్ ఓపెన్ కరే కతే వహా సే చాదర్గఢ్, చాదర్గఢ్ సే ముస్రాంబాగ్, ముస్రాంబాగ్ సే యహాన్ పే, యహాన్ సే अब सूर्यापेट, सूर्यापेट से सीधा जाके एक समुंदर में मिल जाएगा यह पानी मेरे को। ना ये ब्रिज पे चल रहे तो चक्कर आ रहे हैं पानी के साथ देखते हुए, मेरे को नहीं सभी को हो गया होएगा शायद ऐसा ही। ओ उस साइड तो और बहुत फोर्स में पानी जा रहा है, मेरे को बताता हूँ। मतलब ये पानी का फोर्स, ये पानी को देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हाथ में से फोन फिसल जाएंगे और डर रहा है। देखो ब्रो कितना फोर्स में पानी जा रहा है। ऑल राइट गाइस, अपन आज का व्लॉग यही को खत्म करते हैं। तो आप लोगों ने सर देख लिया हैदराबाद में एक दिन के बारिश की वजह से कितना कुछ हुआ है, कितने सारे गलियां, कितने सारे खाली खाली जगह है, प्लॉट्स भर गए। सो गाइस, तो अपन आज का ब्लॉग यही को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय।